24 जून 2019 को ICAI का एक अनाउंसमेंट आया और ये अनाउंसमेंट एक्चुअली काफ़ी लंबा है. एज यू कैन सी इट इज़ अ 3 पेजेस अनाउंसमेंट. इन्होंने 8 महीने के अंदर ही 2 बहुत ही अच्छा काम किया. एक तो जितने भी थ्योरी पेपर्स थे और टैक्स था उसमें 30 मार्क का MCQ डालना, दैट वॉज अ वेरी गुड स्टेप, स्कोरिंग हो जाता है. और दूसरा स्टेप जो अचानक से अभी हुआ बिफोर नवंबर 2019 एग्जाम, दे एक्सक्लूडेड सर्टन टॉपिक्स. नाउ मैं एक्सक्लूसिवली बात करने वाला हूँ इन 3 टॉपिक्स के बारे में. यहाँ जो भी 3 सब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर मैं 3 सब्जेक्ट्स जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, ऑडिट, EISSM, उनकी बात करने जा रहा हूँ. और एकदम सिंपल, एक स्लाइड में तुमको साफ दिख रहा है कि क्या क्या एक्सक्लूड हुआ है, क्या क्या एक्सक्लूड नहीं हुआ है, विदाउट गोइंग इन टू लाइक इतना लंबा पेज. ठीक है, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए. इससे तुमको खुद अभी पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चेंज हुआ है. नहीं, इट्स नॉट जस्ट कॉन्टेंट, हमें यह जानना है कि सिलेबस में कितना परसेंट कम हुआ है. 2 सेक्शन कम होने से क्या मेरा सिलेबस कम हो गया क्या? तो मेरे को देखना है कितना परसेंट कम हुआ है, तो मैं पूरा भी डिस्कस करने जा रहा हूँ. ठीक है, ये देखो पेपर 2 है. अच्छा, एक चीज़ याद रहे, इट इज़ ओनली फॉर CA इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस. ओल्ड सिलेबस में अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है. तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो अपीयर करने जा रहे हैं वो CA इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस के ही हैं. ठीक है, तो अब उसके अंदर पेपर 2 विच इज़ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, पेपर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, एंड पेपर 7 EISSM में क्या चेंजेस है. लॉ में जितना भी चेंज है ना, जितना भी, वो हार्डली 1% है. मतलब तुम्हारा सिलेबस बस 1% से कम हुआ है, ज़्यादा कोई कम नहीं हुआ है. लॉ में कोई बड़ा टॉपिक इन्होंने एक्सक्लूड किया नहीं है, कोई भी बड़ा टॉपिक नहीं किया है, केवल कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से छोटे छोटे सेक्शंस हटाए हैं, जो अगर रहते भी तो हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता. तो हार्डली देर इज़ अ 1% सिलेबस रिडक्शन इन लॉ. यू नो दैट इन योर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस 60 मार्क्स इज कॉर्पोरेट लॉ, 40 मार्क्स इज अदर लॉस. देर इज़ नो चेंज इन अदर लॉस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, उसमें कोई चेंज, कोई रिडक्शन नहीं है. तो वहाँ पर कोई गुड न्यूज़ नहीं है उस रेंज में. कंपनी लॉ का जहाँ तक सवाल है, तो जो बड़े चैप्टर्स का रेंज होता है शुरू में, याद है, इनकॉर्पोरेशन, OPC, MOA, OA, सेक्शन 8 कंपनी डॉक्ट्रिंस, उनमें कोई चेंज नहीं है. जनरल मीटिंग में कोई चेंज नहीं है. चेंज का है इन 4 चैप्टर्स में, प्रॉस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स एंड चार्ज, बस ये 4 चैप्टर में हुआ है. अच्छा, ये 4 चैप्टर के अंदर भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं गौर से देख लो. ये खुदरे खुदरे कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं तुमको, टोटल इधर ऊपर 5 सेक्शन, इधर 5 सेक्शन और ये 3 सेक्शन, कितना, 13 सेक्शंस. नाउ द 13 सेक्शंस में से सिर्फ, मैं सच ही बोलता हूँ, एक ही सेक्शन बड़ा था, विच वॉज 41 GDR. ये 13 सेक्शन जो आपको लग रहा है कम हो गया सिलेबस में, इसमें बाकी सब सेक्शन जो है ना वो छोटे लेवल के थे. मतलब दे आर नॉट वेरी ग्रेट और बिग सेक्शंस, छोटा छोटा सेक्शन एकदम ज़रा ज़रा सा. इसमें 44, 45 तो वन लाइनर है, 75 का तो एक ही जवाब था, 447 फ्रॉड. तो इनमें कोई विशेष चेंज नहीं हुआ, खाली एक ही बड़ा सेक्शन हटा, विच इज़ 41 GDR. तो ये जितने भी सेक्शंस में तुम रिडक्शन देख रहे हो, इट्स नॉट टू मच रिडक्शन. लॉ में सिर्फ 1% कम हुआ है. ओके, सब मतलब हम लोग सब क्या है कि मान के बैठ गए बहुत ज़्यादा सिलेबस कम हो गया, ऐसा नहीं है. लॉ में इंटरमीडिएट में 1% कम हुआ है. हाँ, जो स्टूडेंट्स फाइनल के हैं उनके लॉ में ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है, उनके लॉ में 10 से 15% का रिडक्शन हुआ है, मिनिमम 10% रिडक्शन हुआ है फाइनल के लॉ में. पर इंटरमीडिएट के लॉ में इट्स 1%. गुड न्यूज़ है ग्रुप टू में जो ऑडिट है, ऑडिट में जो रिडक्शन है वो 10% का रिडक्शन है. तो ऑडिट में थोड़ा सा एक बेनिफिट है. ये एक सेक्शन देख रहे हो 143, सेक्शन 143 इज ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. तो पूरा सेक्शन नहीं हटा है, उस सेक्शन का सिर्फ एक शुरू का पहला सब सेक्शन LBS स्कोप ऑफ इंक्वायरी, खाली बस वो हटा है. तो 143 में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है. ठीक है, ऊपर से मैं बता दूं, सेक्शन 143 तो आपके लॉ के सिलेबस में है ना, इन्होंने लॉ में खाली Volume 1 में चेंज किया, Volume 2 में कोई चेंज नहीं किया. मतलब Volume 2 में डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट के चैप्टर आते, उसमें कोई चेंज नहीं है. तो 143(1) यहाँ से हटा भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता, वहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे को. तो ये कोई बड़ा चेंज है नहीं. स्टैंडर्ड्स में इन्होंने 9 स्टैंडर्ड्स उड़ा दिए हैं, मतलब 25% ऑफ योर स्टैंडर्ड्स हटा दिए हैं. इंटरमीडिएट के सिलेबस में ना टोटल 36 स्टैंडर्ड्स हैं. इंटरमीडिएट के सिलेबस में हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आते हैं, 36. तो भाई 36 में से अगर 9 गया, 9 × 4 = 36, तो स्टैंडर्ड्स 25% कम हो गया है. पूरा सिलेबस 25% नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड्स 25% डाउन. गाइडेंस नोट्स,
आठ गाइडेंस नोट्स सिलेबस में होते हैं, आठों हटा दिए। तो गाइडेंस नोट्स भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, मैं सच बोलूँ। तुमको लगे ओ बाबा आठ गाइडेंस नोट, अरे आठ गाइडेंस नोट्स एक क्लास का चीज़ था, इट वॉज जस्ट अ वन क्लास मटेरियल। तो वो आठ गाइडेंस नोट्स भी उठाना कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिडक्शन तुम देख रहे हो, मेनली द रिडक्शन इज इन नाइन स्टैंडर्ड्स एंड द गाइडेंस नोट्स, ठीक है। ये जो नौ स्टैंडर्ड्स हैं साढ़े चार क्लास, ठीक है, और गाइडेंस नोट एक क्लास, तो साढ़े पाँच क्लास, तो एक साढ़े पाँच क्लास का बचत हो जाता है। तो ये कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि ऑडिट में लगभग एक मोर और लेस 10% का रिडक्शन हुआ है। नाउ सबसे ज़्यादा जहाँ रिडक्शन की ज़रूरत थी 100%, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो EISSM, इसमें कितना कम हुआ है, ज़ीरो, कोई चेंज नहीं हुआ। EISSM अनटच्ड बोला, जैसा है वैसा ही है, ठीक है। सो तुम देख लो सिलेबस में कितना रिडक्शन हुआ, एकदम ब्रीफ सिनॉप्सिस में आराम से देख लो। लॉ में 1% डाउन है, ऑडिट में 10%। 10% मतलब क्या है, देख रहे हो नौ स्टैंडर्ड्स और ये आठ गाइडेंस नोट। ये 143 का वन उत्ता कोई महान डिडक्शन तो है नहीं, बिकॉज ऊपर तो मेरे को पढ़ना ही था। इट वॉज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, ओके, नॉट एंटायर 143। एंटायर 143 हटा ही नहीं सकते तुम, ऑडिटर का ड्यूटीज है वो, ओके। और फिर इसमें तो कोई चेंज है नहीं। नाउ अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ तो ये जो चेंजेस इन्होंने किया, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ द चेंज, वाई दैट चेंज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नहीं तो क्या होगा कि तुमको समझ में आ नहीं रहा, बस तुम चेंज 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 सुन रहे हो। यार ये रैंडम एक्सक्लूजन्स हैं, मतलब देर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। एक होता है कि एक बड़ा चैप्टर हटा दिया तो स्टूडेंट का कुछ बोझ हल्का हो गया, ऐसा नहीं। आप एक चैप्टर पढ़े, उसमें से कुछ छोटे छोटे सेक्शंस अगर रैंडमली हटा दिए जाएँ तो मतलब उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इट क्रिएट्स दैट गैप इन द वॉइड। सोचो तुमको कोई 26 अल्फ़ाबेट सिखा रहा होगा जब तुम पैदा, मतलब पैदा नहीं, जब तीन चार साल के होते हैं ना हम लोग, जब हम लोग 26 अल्फ़ाबेट, तो उसमें से 26 अल्फ़ाबेट में से कोई तीन अल्फ़ाबेट बीच का उड़ा दे, तो वो होता नहीं क्या? 26 अल्फ़ाबेट में से अगर मैं बीच का तीन अल्फ़ाबेट उड़वा दूं और वो पढ़ूं बैठ के 23 अल्फ़ाबेट्स, तो मेरी नॉलेज एक थोड़ी सी मेरे को वॉइड महसूस होगी। तो ये वैसा ही है, कोई बड़ा चीज़ तो आपने हटाया भी नहीं, आपने ऐसे चिल्लर चिल्लर छोटे छोटे रैंडम सेक्शंस हटाए हैं, तो इसको हटाने से कोई कुछ खास अचीवमेंट बोल के हुआ भी नहीं है, ओके। अदर लॉज में नो चेंज एट ऑल। फिर स्टैंडर्ड्स में भी अगर बात की जाए तो रैंडमली नौ स्टैंडर्ड्स मतलब पिक करके हटाए गए। हाउ सो, खुद सोचो। यू नो SA-701 एक है, की ऑडिट मैटर्स। अभी सारे नए कंपनियों के ऑडिट रिपोर्ट्स आ गए, मैंने दिखाया था की ऑडिट मैटर्स आ गया। SA-701 की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स कहाँ से सेलेक्ट होता है? की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर टू TCWG। तो ऑडिटर जो TCWG से कम्युनिकेशन करता है उसका स्टैंडर्ड क्या, बोलो मेरे को, 260। अब स्टूडेंट को 260 मालूम नहीं रहेगा और उसको सीधा पढ़ना पड़ेगा जाके 701, तो ये क्या सेंस बना भाई? फिर 265 क्या है? लेटर ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। हमको मालूम है कि हमें जब जब ऑडिट के दौरान पता चलता है कि देर इज अ प्रॉब्लम इन इंटरनल कंट्रोल, वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म मैनेजमेंट इफ इट इज अ सिग्निफिकेंट वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल थ्रू अ लेटर ऑफ वीकनेस। ये कहीं ना कहीं तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ पढ़ना पड़ेगा? 210 जानते हो लेटर ऑफ एंगेजमेंट? 210 लेटर ऑफ एंगेजमेंट में हम लिखते हैं ना कि हमें जब जब आपके कंट्रोल्स में कुछ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलेगा तो हम आपको तुरंत एक लेटर ऑफ वीकनेस देके बता देंगे। तो वो लेटर ऑफ वीकनेस का स्टैंडर्ड कौन सा है? 265। अब आपने यहां से तो हटा दिया, पर ये 265 तो और भी कई जगह पे आता है लेटर ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, वहां से भी कैसे हटाओगे फिर? तो इनडायरेक्टली पढ़ना पड़ ही जाएगा, समझ रहे हो? तो ये जो हटाने का तरीका है ना, दिस इज नॉट नाइस। 330 बोला हटा दिया, अरे क्या हटा दिया? 330 के अंदर कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, वो तो तुम्हारे ऑडिट के चैप्टर में ऐसे इंक्लूडेड है। ऑडिट के जो शुरू के चैप्टर्स नहीं है क्या, चैप्टर 3-4 उसी में इंक्लूडेड है वो। चैप्टर 3 है कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर मोस्ट प्रॉब्ली, तो उसमें तो वो 330 का पूरा मटेरियल डाला हुआ ही है, तो हटा के उसको अगेन कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, 402 इज अ आइसोलेटेड स्टैंडर्ड जिसका कहीं किसी से कोई वास्ता नहीं है। अगर 402 हटाया है तो इट्स अ गुड थिंग, ये एक अप्रिशिएट कर सकते हैं कि 402 का किसी से कोई कनेक्शन नहीं, दैट इज बीन रिमूव, दैट इज नाइस। 450 इज अबाउट, ये भी एक तरह का ऑडिटिंग इस तरह से है 450 में कि जब भी ऑडिटर को MMS मिलते हैं ऑडिट में, तो वो सारे MMS को जमा करता है और मैनेजमेंट को देता है रेक्टिफाई करने। अगर वो रेक्टिफाई कर दे तो नाइस, नहीं तो क्वालिफाइड ओपिनियन। तो ये अगर हटा भी देते हैं तो उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। मतलब इसको ना मैं क्रिटिसाइज करूँगा ना मैं अप्रिशिएट करूँगा, दिस ओके। 540 भी एक अलग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाला, ये हटा देते हो तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, गुड।
600 का हटाना ये गलत है. यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, माने ब्रांच ऑडिटर. ब्रांच ऑडिट इंटर में एक फेमस टॉपिक है. तो अभी आप ब्रांच ऑडिटर का अगर स्टैंडर्ड हटा दोगे ऐसे 600, तो उससे तो भाई दिक्कत हो जाएगी. मुझे ब्रांच ऑडिट पढ़ते वक्त तो ऐसे 600 का नाम मालूम भी होना चाहिए. तो ये 600 का हटाना इट वॉज नॉट, किसी भी तरह से मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता. ब्रांच ऑडिट इज अ वेरी फेमस टॉपिक फॉर इंटर. 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट अगर हटाते हो, आई एम हैप्पी विद दैट. वो एक आइसोलेटेड टॉपिक है, अफेक्ट नहीं करता, तो वो हटाए तो अच्छी बात है. 720 भी अच्छी बात है, एक आइसोलेटेड टॉपिक था कि एनुअल रिपोर्ट में एफएस के अलावा बहुत सारा अदर इन्फॉर्मेशन है, वो अगर हट रहा है, वो नहीं पढ़ना है, तो मेरे नॉलेज को अफेक्ट नहीं करता. तो कुछ स्टैंडर्ड्स का हटना बस गुड, पर बाकी कुछ स्टैंडर्ड्स तो हमको ऐसे ना कैसे पढ़ने ही पड़ेंगे, तो उनको हटाने का कोई सेंस नहीं नज़र आता. गाइडेंस नोट, वी हैव अ चैप्टर इन आवर सिलेबस, चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स होते हैं, इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट, उन सब की ऑडिट के बारे में और उनके ऑडिटिंग प्रोसीजर्स का पूरा जिक्र है. और गाइडेंस नोट में भी वही प्रोसीजर्स काफ़ी हद तक डाले हुए हैं. तो गाइडेंस नोट को अगर हटा भी देते हैं तो गुड है, बिकॉज वो नॉलेज तो हमको मिल ही रही है चैप्टर 9 में, तो अलग से हमें गाइडेंस नोट प्रिपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो मैं इसके भी सपोर्ट में हूँ. आई एम इन फेवर ऑफ फ्यू स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव रिमूव्ड, मैं उसके सपोर्ट में हूँ. जैसे अगर ये 402 हट रहा है तो चलेगा, क्योंकि 402 एकदम आइसोलेटेड था. 450 हटा रहे उससे भी मुझे गुरेज नहीं है. दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन. इन पांचों को अगर हटाया जा रहा है तो अच्छी बात है, पर ये बाकी जो 1, 2, 3 और ये आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर्स के अंदर मौजूद है, तो इनका एक रेफरेंस तो हमें सीखना ही पड़ेगा. ठीक है, गाइडेंस नोट हटा रहा है, इसके भी मैं सपोर्ट में हूँ एकदम कि हट जाना चाहिए. 143 का 1 हटे या ना हटे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो लॉ में तो कवर होगा ही होगा. ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा चेंजेस है लॉ में, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ बोल के नहीं है कि कोई ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ हो. तो दिस इज़ द एंटायर चेंज. खैर, बोलते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो चलो सबसे बड़ी बात है कुछ कम हुआ, एटलीस्ट ऑडिट में बोझ 10% कमी हुआ. तो ओवरऑल तो ये अच्छी बात ही है कि एक 30 मार्क का MCQ डाल रहे हो सपोर्ट के लिए स्टूडेंट्स का, और एक सिलेबस को थोड़ा सा कम करा जा रहा है, वो भी अच्छी बात है. ठीक है, खाली जो एक तकलीफ मन में रह गया, समझ गया क्या? ठीक है, बस वो नीचे वाले का थोड़ा तकलीफ रह गया, वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत थी. ठीक है.